हरि ओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज आपको जो मैं जानकारी देने वाला हूं वो है, वो ऐसे कुछ संकेत जिससे हमें पता चल सकता है, यदि ये संकेत आपको मिलते हैं तो आप तुरंत भोले शंकर महादेव की पूजा आराधना अर्चना शुरू कर दें। यदि आप उनकी पूजा अर्चना शुरू करते हैं या आप कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि बाबा शिव शंकर महादेव की कृपा आपके ऊपर हो रही है या होने वाली है। भोले शंकर महादेव एक ऐसे देव हैं जो मात्र छोटी सी सेवा से, थोड़ी सी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। यूं तो भोले शंकर महादेव की पूजा कई प्रकार से होती है, लेकिन बाबा शिव शंकर महादेव एक ऐसे देव हैं, एक लोटा जल की धार से खुश हो जाते हैं। बहुत से लोग इनकी कई तरह से पूजा करते हैं, कई लोग सोमवार का व्रत धारण करते हैं, कई लोग कावड़ लाते हैं सावन के महीने में, कई लोग शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, व्रत पूजन उपासना कई तरह से इनकी सेवा करते हैं और बाबा अवश्य ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे संकेत हैं, यदि आपको वो मिलते हैं तो आपको भी इनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। पहला जो संकेत है, यदि आप के साथ ऐसा होता है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप किसी मंदिर के पास पहुंचते हैं, आप कुछ काम करते हैं या कहीं जाते हैं या अपने कार्य से जाते हैं, कहीं भी जाते हैं और आपको बार बार जो है शिवशंकर महादेव को मंदिर में जाने का आपका जो है संयोग बनता है, तो मान लीजिए कि शिवशंकर महादेव आपको संकेत कर रहे हैं, आपको शिव की जो है पूजा शुरू कर देनी चाहिए। और यदि आपको सपने में बार बार मंदिर दिखे, घंटियां बजती हुई दिखे, शंख दिखे, डमरू की आवाज दिखे, सुनाई दे, तो समझिए कि शिव शंकर महादेव की आपके ऊपर कृपा बनी हुई है, आप शिव की जो है पूजा आराधना और ज्यादा शुरू कर दीजिए। तीसरा संकेत है कि यदि आप शिवशंकर महादेव के भजन सुनते हैं, उनका कोई मंत्र चल रहा है वो सुनते हैं, तो आपके मन में जो है एक अलग सी उमंग जाग जाती है, आपके झूमने का मन करता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू आते हैं। ये बहुत से लोगों के साथ होता है, मेरे साथ स्वयं यह होता है। जब भी मैं शिवशंकर महादेव की कथा या भजन कभी फोन पे भी सुनता हूं तो रोना आ जाता है। तो इसका संकेत है कि ये संकेत है कि शिवशंकर महादेव कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़े हैं और आपके ऊपर उनकी कृपा बनी हुई है। अगला संकेत है कि यदि बहुत ज्यादा होता है, कई लोगों के पूजा का मन करता है कि पूजा करनी है, पूजा पाठ करना है, शिवलिंग का स्नान करना है, मंदिर जाना है, मंदिर में सेवा करनी है, मंदिर जाते हैं कई लोग तो खो जाते हैं वहां पे कि कैसे सेवा करें, लग जाते हैं खुद ही सेवा में, तो इसका मतलब है कि शिवशंकर महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अगला संकेत है, शिव से जो जुड़े जितने भी देव है, वैसे तो पूरी दुनिया ही, पूरी संसार में 33 कोटि देवी देवता जो विद्यमान है, सभी शिव बाबा की सेवा करते हैं। यदि आपको विशेष तरह से माँ दुर्गा स्वप्न में दिखती है, गणेश भगवान जी स्वप्न में दिखते हैं, कार्तिकेय जी स्वप्न में दिखते हैं, या आपको मूषक स्वप्न में दिखता है, मोर स्वप्न में दिखता है, या शेर स्वप्न में दिखता है, या सर्प स्वप्न में दिखता है, या ऐसा लगता है कि आपको कोई मार रहा है और वहां पे बैल आ गया और उसने आपको बचा दिया, तो
तो समझिए कि शिव शंकर महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आप और ज्यादा शिव की सेवा अर्चना पूजा शुरू कर दीजिए। और एक संकेत और है कि यदि आपको कभी कोई बच्चा दिखता है शिव के स्वरूप में, प्रभु के स्वरूप में, तो समझिए कि शिव शंकर महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो आपको शिव की पूजा अवश्य और ज्यादा शुरू कर देनी चाहिए। या आपको कभी दिखे कि आपके घर में स्वप्न के माध्यम से दिखे या कभी साक्षात दिखे कि आपके घर में कोई साधु आ रहा है, आपसे वो कुछ ना मांगे, पैसे ना मांगे और सिर्फ आपसे सिर्फ भोजन मांगे, तो समझ आइए कि शिव शंकर महादेव साक्षात आपके द्वार पे आए हैं, आपके आपके ऊपर कृपा है उनकी। क्योंकि जो सच्चा साधु होता है, संत होता है, उसे पैसों की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल दो वक्त की रोटी की आवश्यकता होती है। तो शिव शंकर महादेव की आप पूजा आराधना अर्चना शुरू कीजिए, करते हैं तो और ज्यादा शुरू कीजिए। और बहुत जल्द मैं आपको शिव शंकर महादेव की एक साधना देने वाला हूं, जिससे आपको बहुत से विचित्र अनुभव होंगे और शिव शंकर महादेव की कृपा प्राप्त होगी और अनुभव आपको होंगे। आप स्वयं ये महसूस करेंगे कि शिव शंकर महादेव हमारे साथ हैं, हमारे हर कार्य बना रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए हरिओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।